से मोहब्बत की है अय्याशी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। ये जो डायलॉग मैंने अभी आपके सामने बोला, इस डायलॉग से ही आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा ये प्रोग्राम बेस्ड है आप सभी के पसंदीदा कपल और साथ ही न्यूली वेडेड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में। जी हाँ, ये कपल जो कई सारी मूवीज में नजर आ चुका है साथ में, जिसमें से एक मूवी का डायलॉग मैंने अभी बोला जो कि बाजीराव मस्तानी थी। ऐसी ही मोहब्बत रणवीर ने दीपिका से असल जिंदगी में की है और इस मोहब्बत को उन्होंने शादी तक पहुंचाया, जहां 14 नवंबर और 15 नवंबर 14-15 तारीख को लेक कोमो इटली में शादी रचाई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डायलॉग हमने क्यों बोला, तो आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ शादी के दरमियान हुआ है। दरअसल जब फेरे लिए जा रहे थे तो दीपिका पादुकोण अपने आखिरी फेरे के वक्त काफी इमोशनल हो रही थी। दरअसल दीपिका पादुकोण जिस तरीके से रणवीर की होती जा रही थी, तो वहीं उन्हें ये एहसास बार बार आ रहा था कि वो अपने परिवार से अब अलग हो जाएंगी, और तभी रो पड़ी दीपिका पादुकोण और अपने पापा के गले लग गई। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आपको हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट देखनी होगी, लेकिन सच में ये रिपोर्ट आपकी भी आंखें नम कर देगी, क्योंकि जिस तरह का वाक्य लेक कोमो इटली में हुआ था, हम खबरों के आधार पर पूरा ही वैसा वाक्य आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों अपने आखिरी फेरे के वक्त दीपिका पादुकोण रो पड़ी, क्यों वो अपने पापा के गले लगी और साथ ही साथ रणवीर सिंह ने वहां पर क्या किया। क्या रणवीर ने उनका साथ दिया या फिर रणवीर ने सिर्फ और सिर्फ दीपिका का साथ दिया या उनके परिवार का साथ दिया। ऐसी तमाम बातें जानने के लिए डाली नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर। ये बात आप सभी जान ही चुके हैं कि दो ग्रैंड फंक्शंस हुए हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के। जी हाँ, 14 तारीख और 15 तारीख ये वो तारीखें थी जो कि शादी में तकमील हुई हैं। जी हाँ, 14 तारीख को जहाँ कोंकणी स्टाइल से वेडिंग हुई थी, तो वहीं 15 तारीख को जो शादी हुई है वो हुई थी सिंधी रीति रिवाजों के अनुसार, और शादी लेक कोमो इटली में हुई थी। सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ था ये गॉसिप का, क्योंकि एक्सोटिक लोकेशन के साथ साथ वेडिंग की पिक्चर्स खुद रणवीर और दीपिका ने शेयर की थी और फैंस लगातार ही इंतजार कर रहे थे इन तमाम तस्वीरों का। खैर, इसी बीच अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सिंधी वेडिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें एज पर द रिपोर्ट्स यानी कि खबरों के अनुसार काफी लोग इमोशनल हुए थे। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जहाँ रोई थी अपने आखिरी फेरे के दौरान, तो वहीं दीपिका पादुकोण के पापा प्रकाश पादुकोण ने उनको एक इमोशनल हग दिया। जी हाँ, बेटी और पिता के बीच एक बेहद इमोशनल हग हुआ और इसके बाद रणवीर ने हग किया दोनों को और उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया जो कि उस टाइम पर शायद और भी ज्यादा रुला देता दीपिका को। दरअसल रणवीर ने उस टाइम दीपिका के पापा को कहा कि ही वुड टेक केयर ऑफ दीपिका, यानी कि वो दीपिका का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। ये बात हम आपको खबरों के आधार पर बता रहे हैं। जहां रो रही थी दीपिका पादुकोण अपनी आखिरी फेरे के समय, तो वहीं वहां पर अपने पिता के गले लगी वो और रोती नहीं, लेकिन रणवीर का क्या रोल रहा आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको वो बता रहे हैं। और रणवीर सिंह ने दीपिका के पापा को ये आश्वासन दिया कि वो हमेशा दीपिका का ख्याल रखेंगे। पर इस बात का अंदाज़ा हम खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से प्यार करते हैं, अपने प्यार का सबूत वो कई बार दे चुके हैं। ये बात आप जानते होंगे कि जैसे ही रणवीर और दीपिका शादी के बंधन में बंधे थे, तो जितनी खुशी फैंस को हुई थी, कहीं ना कहीं उतनी खुशी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को खुद को हुई होगी। आपको ये भी बता दें कि रणवीर और दीपिका की वेडिंग पूरे तरीके से एक प्राइवेट अफेयर थी और सिर्फ उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स और जिन लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया था वो लोग वहाँ पर मौजूद रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे ये इंश्योर करने के लिए कि शादी की कोई भी फ़ोटो वायरल ना हो। जी हाँ, कोई भी फ़ोटो लीक ना हो, और सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं लेक को पूरी तरह से कवर किए हुए थे ताकि कोई भी फोटोग्राफ्स या फिर गॉसिप्स जो हैं बाहर लीक ना हो।
लेकिन रणवीर और दीपिका ने इनवाइट नहीं किया था अपने बी टाउन फ्रेंड्स को, एज पर द सोर्सेस खबरों के अनुसार यही पता लगा। जी हाँ, कपल को ये एडवाइस दी गई थी फिल्म फ्रेटर्निटी के अनुसार भी, और साथ ही साथ ये भी था कि रणवीर और दीपिका ने काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया। वेल, शादी हो चुकी है दीपिका रणवीर की, और अब इसके बाद सबकी जो नज़रें टिकी हुई हैं वो नज़रें टिकी हुई हैं रणवीर दीपिका के रिसेप्शन पर, जो कि 28 नवंबर को मुंबई में होने वाला है। जी हाँ, कई रिसेप्शंस हो गए, इन तमाम रिसेप्शन की जानकारी हम आपको वक्त वक्त पर देते रहेंगे जैसे ही तमाम रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रहेंगी, और हम ये रिपोर्ट एज इट इज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शादी सिर्फ एक दो जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए होती है, ऐसा रिवाज है, ऐसा कहा जाता है कि जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो 7 जन्मों के लिए होते हैं। लेकिन रणवीर दीपिका ने खबरों के आधार पर 8 फेरे लिए, 8 फेरों के बाद शादी संपन्न हुई, क्योंकि इनकी शादी 14 और 15 तारीख को हुई थी। जहां कोंकणी स्टाइल से 14 तारीख को शादी हुई थी, तो वहीं 15 तारीख को जो शादी हुई थी वो हुई थी सिंधी रीति रिवाजों के अनुसार। ये बात आप जान चुके हैं कि जिस तरीके से रणवीर और दीपिका ने लेक कोमो में प्राइवेसी रखी थी, तो फोटो सामने नहीं आ रही थी, फैंस काफी दुखी है। लेकिन अब भारत लौट चुके हैं दीपिका रणवीर, दीपिका का भव्य स्वागत किया जा चुका है उनके ससुराल में, और अब तमाम तस्वीरें तमाम वीडियो सामने आ रही हैं, और हम वक्त वक्त पर आप तक ये तमाम वीडियोस और फोटोज भी पहुंचा रहे हैं। अभी हमने अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपके सामने साझा की वो चीजें जो हुई थी शादी के दौरान, किस तरीके से दीपिका पादुकोण जो हैं बेहद ज़्यादा ही भावुक हो गई, हम खबरों के आधार पर आपको बता रहे हैं। कई न्यूज़ चैनल्स ने, कई वेबसाइट्स ने ये खबर डाली है कि जिस तरीके से रणवीर के सामने दीपिका रो पड़ी, तो रणवीर को ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ, और इसके बाद जैसे ही उनके पापा भी इमोशनल हुए, यानी कि दीपिका पादुकोण के पापा, तो रणवीर ने उनको आश्वासन दिया। ये क्या आश्वासन था आपने हमारे इस रिपोर्ट में देखा होगा, सच में ये रणवीर सिंह ही कर सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो दीपिका को प्यार करते हैं कई मौकों पर देखा जा चुका है, कई मीडिया इंटरव्यूज में देखा जा चुका है, दोनों के प्यार के किस्से लगातार ही वायरल रहे हैं। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि 6 साल के लंबे रिलेशन के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, और क्या शादी हुई है, लेक कोमो इटली में आलीशान शादी हुई है। भले ही प्राइवेसी रखी हो दोनों ने, लेकिन अब प्राइवेसी पूरे तरीके से ओपन हो चुकी है। जहां दोनों भारत लौट चुके हैं, तो वहीं अब तैयारियां की जा रही हैं ग्रैंड रिसेप्शन की। बीते दिन हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे रणवीर की मॉम ने और दीपिका पादुकोण की मदर इन लॉ ने, यानी कि दीपिका की सास ने, किस तरीके से आरती के साथ स्वागत किया था दीपिका पादुकोण का। ये तो बात रही किस तरह से घर में स्वागत हो चुका है दीपिका पादुकोण का, और आपने ये भी जान लिया कि आखिरकार शादी के बीच जो रस्में हो रही थी, उन रस्मों के बीच किस तरीके से भावुक हुई दीपिका पादुकोण। तो आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करते हैं, और आपके साथ हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से कई सारी चीजें ऐसी लेकर आएंगे जो कि दीपिका रणवीर से जुड़ी हुई होंगी, और साथ ही आप रिसेप्शन से जुड़ी हर एक अपडेट हमारे प्रोग्राम्स के जरिए देखते रहेंगे। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, आप क्या सोचते हैं रणवीर दीपिका के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, और हम इनका रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।